करो ना रابطہ हातिम से। मैंने सुना है अभी भी तुम उसको फोन करती हो। अब अगर तुम हातिम के साथ रابطے में रहोगी तो नामुनासिब बात है। हेलो हेलो अदन, अदन आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। पता नहीं चला मुझे। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सांसों में तेरा है दम, तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। अदन नहीं आया अभी तक? रास्ते में आने वाले होंगे। ऑफिस से तो दिन में ही निकल आए थे जब तुम्हारी अम्मी आई थी, उसके बाद तो वो ऑफिस गए नहीं है। हो सकता है कि किसी और काम से चले गए। वैसे मैंने अदन को जाते हुए देखा था, बहुत गुस्से में गए थे। कोई बात हुई थी क्या? वो जब आएंगे तो तुम खुद पूछ लेना। पूछने से ज्यादा अगर बताने के लिए कुछ हो तो पूछने की नौबत नहीं आती है। क्या मतलब? तुमसे नहीं पूछूंगी, तुमसे पूछूंगी तो तुम साफ इनकार कर दोगी। अम्मी खैरियत से आई थी, बड़ी परेशान लग रही थी और घर पे बगैर बताए आ गई थी। राहिल और तुम्हारे भाई भी बहुत परेशान थे। शीरी, मेरी अम्मी और मेरी अम्मी के घर वालों के बारे में फिक्र करना छोड़ दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सुंबुल से मिली हो? कौन सुंबुल? वही जिससे हातिम की मंगनी हुई थी। तुम उसे भी जानती हो? एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, सुंबुल तुम्हारे लिए जगह खाली करने वाली है। सादे लफ्जों में कहूं तो हातिम की जिंदगी में तुम्हारे लिए दोबारा जगह बनने वाली है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं अदन की जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली। जब मैंने अदन की मदद की थी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अदन से मोहब्बत नहीं करती हो। मैंने सोचा था कि मैं दो मोहब्बत करने वालों की मदद कर रही हूँ। बाद में एहसास हुआ कि मैंने तो अनजाने में तुम लोगों पर जुल्म कर दिया, लेकिन अब मैं इस जुल्म का अजाला करूंगी दो मोहब्बत करने वालों को एक करके। ट्रस्ट मी सोनिया, अब मैं तुम्हें हातिम से दूर नहीं होने दूंगी।